महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा को लेकर बढ़ी सियासी हलचल। अमरावती के सांसद नवनीत राणा और उनके पति को 6 मई तक जेल। जेल भेजने से पहले राणा दंपति का कोविड टेस्ट। कोर्ट ने खारिज की पुलिस हिरासत की अपील। 29 अप्रैल को होगी जमानत याचिका पर सुनवाई। राणा दंपति पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप एक दिन पहले से जारी है। नवनीत राणा के खिलाफ राजद्रोह का भी मामला। सरकारी काम में दखल देने का भी आरोप। विधायक रवि राणा का दावा, सांताक्रूज लॉकअप में 101 बार पढ़ा हनुमान चालीसा। बीती रात हुई थी नवनीत राणा और उनके पति की गिरफ्तारी। खार वाले घर में पहुंचकर उनको थाने ले गई थी पुलिस। राणा दंपति को खार पुलिस स्टेशन से सांताक्रूज पुलिस स्टेशन भेजा गया। गिरफ्तारी को लेकर जबरदस्त सियासत। नवनीत राणा को मिली है वाई कैटेगरी की सुरक्षा। उनके सुरक्षाकर्मी भी थाने पहुंचे थे। एक दिन पहले हनुमान चालीसा को लेकर दिन भर मुंबई में हंगामा रहा। नवनीत राणा ने मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का किया था ऐलान। शिव सैनिकों की घेराबंदी की वजह से घर से निकल नहीं पाए थे राणा दंपति। फेसबुक लाइव से उद्धव ठाकरे पर लगाया था सरकारी तंत्र के दुरुपयोग का आरोप। खार पुलिस स्टेशन के बाहर हुआ था बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर शिव सैनिकों का हमला। नवनीत राणा की गिरफ्तारी का विरोध करने से नाराजगी जताई थी। किरीट सोमैया के जबड़े में चोट, चेहरे और आंख के नीचे भी चोट। बीजेपी नेता ने बांद्रा पुलिस स्टेशन जाकर दर्ज कराई शिकायत। हमले के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बांद्रा पुलिस स्टेशन के बाहर जमकर किया हंगामा। उद्धव सरकार पर बोला हमला। किरीट सोमैया ने कहा, मेरे खिलाफ किया गया हमला पूर्व प्रायोजित। किरीट सोमैया ने बताया, मेरे पास जेड कैटेगरी की सुरक्षा, पुलिस भी हमले में शामिल थी। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किरीट सोमैया पर हमले की निंदा की, बोले हमलावर पर कड़ी कार्रवाई। राणा दंपति को जेल भेजे जाने पर सियासत तेज। पुलिस स्टेशन पहुंचे बीजेपी नेता कृपा शंकर सिंह। महाराष्ट्र के गृहमंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा, हनुमान चालीसा के बहाने दंगा भड़काने की कोशिश। गृहमंत्री ने कहा, किरीट पर पथराव किसने किया, इसकी चल रही है जांच। पुलिस को अलग से आदेश देने की जरूरत नहीं। संजय राउत ने कहा, शिवसेना का हिंदुत्व घंटाधारी नहीं गदाधारी है। राणा दंपति को बताया बीजेपी का एजेंट। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर जम्मू के सामने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। 20,000 करोड़ की लागत की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। 20,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ। सांबा के पल्ली गांव में पंचायती राज दिवस पर कार्यक्रम। प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर के ग्राम सभा सदस्यों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास किया। किश्तवाड़ में चेनाब नदी पर बनेंगे दोनों ही प्रोजेक्ट। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे का भी शिलान्यास। 7,500 करोड़ की लागत आएगी। बनिहाल गाजीकुंड टनल का लोकार्पण। करीब 9.25 किलोमीटर है लंबाई। 3100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत में बनी है बनिहाल गाजीकुंड सड़क सुरंग। पहले से 16 किलोमीटर कम हो जाएगी। प्रधानमंत्री अमृत सरोवर योजना का शुभारंभ। देश के हर जिले में 75 तालाब बनाने की योजना। कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, 70,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश की योजना है। सत्र हटने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का यह पहला जम्मू कश्मीर दौरा। मल्टीलेयर सिक्योरिटी के थे इंतजाम। पाकिस्तान से लगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बढ़ाई गई थी चौकसी। ड्रोन से निपटने की भी तैयारी। ये मोदी के जम्मू दौरे को लेकर बढ़ी सुरक्षा चौकसी। रैली स्थल से 12 किलोमीटर दूर धमाका। आशा मुंबई भी जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड मिलेंगे हिस्सा। पहला सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को जाएगा। जालौन में पंचायती राज दिवस का कार्यक्रम। सीएम योगी ने संबोधन किया। 39,000 तकनीकी उपकरण से युक्त पंचायत सचिवालय, जिनमें 6,682,50,00,000 रुपए की लागत से कार्य संपन्न हुआ है। मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने संग्रहालयों को लेकर जनता को दिया संदेश। गर्मियों में पानी बचाने को लेकर जागरूक होने की जरूरत बताई।
पीएम मोदी के मन की बात का आज 88वां एपिसोड और इसे सुनने के लिए गाजियाबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं से मौजूद रहे जेपी नड्डा। पुडुचेरी के दौरे पर आए गृहमंत्री अमित शाह, महाकवि सुब्रमण्यम भारती संग्रहालय का दौरा किया। श्री अरबिंदो आश्रम भी आए अमित शाह, 150वीं जयंती के कार्यक्रम में शामिल। कांग्रेस और लेफ्ट के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन, पूर्व मुख्यमंत्री नारायण सामी भी मौजूद। दिल्ली के जहांगीरपुरी में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, दिल्ली पुलिस की पहल पर अमन शांति की कोशिश। फरार आरोपियों की तलाश में पश्चिम बंगाल, यूपी और बिहार समेत कई राज्यों में पुलिस की दबिश, पकड़े गए आरोपियों की निशानदेही पर कार्रवाई। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय और 10 जनपद के पास में हिंदू सेना ने लगाया पोस्टर, मंदिरों को तोड़े जाने के विरोध में गांधी परिवार की चुप्पी पर सवाल उठा। अलवर में मंदिर तोड़े जाने को लेकर स्थानीय लोगों की पहल, कार्रवाई के विरोध में कमेटी का गठन। साक्षी महाराज ने फेसबुक पर लिखा भड़काऊ बयान, घर में कोल्ड ड्रिंक की बोतलें और तीर कमान रखने की सीख दी। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, दिल्ली को दंगों से बचाने में नाकाम रहे गृहमंत्री। शरद पवार ने उठाया सवाल, विदेशी मेहमानों को बस गुजरात का दौरा क्यों कराया जाता है। कर्नाटक के पूर्व सीएम कुमारस्वामी ने बीजेपी पर साधा निशाना, राज्य में यूपी एमपी गुजरात की तरह बुलडोजर संस्कृति लाने की कोशिश किया। बीजेपी महासचिव सीटी रवि ने दिया बयान, पहले आतंकियों को दी जाती थी बिरयानी, अब किसी ने पूछ हिलाई तो जेसीबी बुलडोजर पहुंच जाएगा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आश्रम अंडरपास का उद्घाटन किया, कहा कोरोना की वजह से बनने में देरी हुई। देश में बढ़ रहे कोरोना के मामले, 24 घंटों में 2500 से ज्यादा नए केस। देश में एक्टिव केसेस 15,000 से ज्यादा, फिर भी सतर्कता बढ़ाने के निर्देश। फिर दिल्ली में कोरोना का ग्राफ बढ़ा, एक दिन में 1,094 केसेस रिकॉर्ड, 2 लोगों की जान गई। यूपी में बढ़ते कोविड केस की वजह से स्कूलों के लिए नई गाइडलाइन, छात्रों शिक्षकों और स्टाफ के लिए मास्क अनिवार्य। नोएडा में डरा रहा है कोरोना का तेज संक्रमण, एक दिन में 126 नए मामले सामने आए। दिल्ली के श्रीनिवासपुरी में नीलकंठ महादेव मंदिर हटाने को लेकर बवाल, आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर साधा निशाना। आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा, कहा मंदिर पर नहीं चलने देंगे बुलडोजर। आज से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ, उपराष्ट्रपति करेंगे उद्घाटन, देशभर के 3900 खिलाड़ी होंगे शामिल। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में युवा स्वाभिमान पार्टी के कार्यालय में शिव सैनिकों ने की तोड़फोड़, जमकर किया पथराव। मध्य प्रदेश के श्योपुर में बीजेपी एमएलए के 2 बेटों समेत 4 लोगों पर एफआईआर, वन कर्मियों से मारपीट के मामले में कार्रवाई। हमीरपुर में वृद्ध की मौत से हंगामा, पुलिस पर लगा धमकाने का आरोप, थाने में शव रखकर परिजनों का हंगामा। चंडीगढ़ के हाई सिक्योरिटी मुडेल जेल में दीवार के करीब मिला संदिग्ध बैग, जांच के दौरान डेटोनेटर और कुछ विस्फोटक बरामद। 13 तक चली पड़ताल, किसी आतंकी वारदात या किसी कुख्यात अपराधी या गैंगस्टर को छुड़ाने के लिए जेल उड़ाने जैसे साजिश का पुलिस ने किया इनका। पीएचयू के गायब छात्र की मौत का राज, डीएनए रिपोर्ट से पुलिस की भूमिका शक के घेरे में। 14 जुलाई को सुनवाई की तारीख। 13-14 फरवरी 2020 की रात वाराणसी के लंका थाने से गायब हुआ था शिव कुमार त्रिवेदी, 2 दिन के बाद पास के ही तालाब से मिला था शव। अमरावती के गैस गोदाम में आग, आसपास के घरों को कराया गया खाली। समस्तीपुर में नकली शराब बनाने की मिनी फैक्ट्री का खुलासा, मकई के खेत में चल रहा था कारोबार। मुक्तसर में गोली चलाते हुए पूर्व कांग्रेसी चेयरमैन का वीडियो वायरल, पुलिस ने कहा वीडियो की जांच होगी। औरैया में युवक के साथ मारपीट का वीडियो हुआ था वायरल, पुलिस ने दर्ज किया केस। हेमकुंड साहिब मार्ग में अभी भी बर्फ ही बर्फ, भारतीय सेना की तरफ से रास्ता साफ करने की कोशिशें जारी। लखनऊ के मोहनलालगंज में लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट की गाड़ी ने एक 18 साल के युवक को कुचला, जख्मी युवक की मौत। परिवार वालों का आरोप, पुलिस वालों ने खबर बताने पर फर्जी मुकदमे में फंसाने की दी थी धमकी। लखनऊ के मलिहाबाद स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, डॉक्टर के टेबल पर दिखी पिस्टल।
जांच में सही पाया गया वीडियो डॉक्टर जितेंद्र वर्मा का तबादला किया गया। लातूर में ट्रक और कार के बीच में टक्कर 8 लोगों की मौत। सूरत में कानून का खौफ, एक्शन से डर, कुख्यात अपराधी ने कब्जे की संपत्ति को खुद असली मालिक को लौटा। कर्नाटक के हुबली में पुलिस का एक्शन, पथराव के आरोपों में एआईएमआईएम पार्षद की गिरफ्तारी। खरगोन में एसपी को गोली मारने वाले आरोपी को 3 दिन के बाद पुलिस की रिमांड, अब तक 175 आरोपी मामले में गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में एसएसपी डीएम ने दंगा नियंत्रण कर किया रिहर्सल, पूरी तरह तैयार होकर किया फ्लैग मार्च। बिहार के खगड़िया में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़, 2 आरोपी जख्मी, हथियार के साथ 6 बदमाश गिरफ्तार। राजभर समाजवादी पार्टी नेता के अवैध कब्जे वाली जमीन पर चला बुलडोजर, खाली कराई गई 10 बीघे की जमीन। विशाखापट्टनम में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, बड़े पैमाने पर तबाही। जब वो एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई, एयर अरेबिया से आए यात्री से करीब 42 लाख का सोना बरामद। मेरठ में श्रृंगार कला केंद्र से लाखों की चोरी, सीसीटीवी में कैद आरोपी, जांच में जुटी पुलिस। महंगाई के जमाने में नींबू पर भी चोरों की नजर, जयपुर में मंडी से 2 बोरे नींबू गायब। छपरा में आरजेडी विधायक ने लगाई सीओ की जमकर क्लास, आम लोगों के काम ढंग से नहीं करने पर शिकायत पर गुस्सा फूटा। मुजफ्फरनगर में दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 पर सड़क हादसा, पुलिस वाले गंभीर रूप से जख्मी। यूपी के कौशाम्बी में ट्रैक्टर और ट्रॉली की टक्कर, इनकी चपेट में आकर बाइक सवार 3 युवकों की मौत। गाजियाबाद में बच्चे का शव मिलने के मामले में लोगों ने निकाला कैंडल मार्च, 21 अप्रैल को लाश मिली थी, पुलिस की तफ्तीश से परिजन संतुष्ट नहीं। जमशेदपुर में चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश के दौरान आफत में आई जान, आरपीएफ स्टाफ ने मुस्तैदी से मामले को टाला। डोनबास में रूसी फौज के हमले में 3 लोगों की मौत, 7 लोग जख्मी, इमारत में लगी थी भीषण आग। आग के लपटों से जूझते नजर आए यूक्रेन के दमकल कर्मी, बड़े पैमाने पर तबाही। खार्किव ओब्लास्ट में रूस की गोलाबारी, 3 नागरिकों की मौत, 6 लोग जख्मी। मारियोपोल में एक और सामूहिक कब्र का खुलासा, यूक्रेनी अधिकारियों ने जताई करीब 1000 शवों को दफनाने की आशंका। मारियोपोल को लेकर ज़ेलेंस्की बोले, अगर रूस ने यूक्रेनी सैनिकों को वहां पर मार डाला तो शांति वार्ता से हट जाएंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बयान, जिसने युद्ध शुरू किया इसे खत्म वही कर पाएगा, पुतिन से की बातचीत की अपील। रूसी रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन में हमले का नया वीडियो किया जारी, जंगी हेलीकॉप्टर से यूक्रेन के 11 टारगेट किए तबाह, भयानक तस्वीरें आई सामने। यूक्रेनी सेना ने डोनबास रीजन में रूस के हमलों में जो तेजी आए हैं उसके सामने खड़े किए हाथ, यूक्रेन के 9 टैंक, 18 सैनिक टुकड़ियां, 3 आर्टिलरी सिस्टम बर्बाद। जंग के बीच में आज कीव दौरे पर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन, यूक्रेन को सुरक्षा मुहैया कराने को लेकर अहम दौरा। मॉस्को में ईस्टर मास में शामिल हुए राष्ट्रपति पुतिन, रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च ने आयोजन किया था।